हाय दोस्तों, मेरा नाम रेहान अली है। मैं विश्वविद्यालय का स्कूल कुंभाशी पांचवी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैं सबको एक ऐसी बात सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपके खुश हो जाएंगे और आप रोने में मजबूर हो जाओगे। आप समझे, मेरे हाथ में बिच्छू है। क्या है? बिच्छू। बिच्छू इंग्लिश में उसे स्कॉर्पियन कहते हैं। क्या है? बिच्छू। बिच्छू, जी हाँ, बिच्छू। तो ये बिच्छू बच्चे पालने के बाद इनको अपनी कमर में बैठा देता है और फिर ये बच्चे अपनी माँ का गोश्त खाते हैं और तब तक खाते हैं जब तक इनकी माँ मर नहीं जाती। जब ये खुद जलने के काबिल हो जाते हैं तब तक इनकी माँ भी मर जाती है, यानी कि ये अपने बच्चों को पालते पालते अपनी जान दे देती है और फिर बच्चे उसे छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ मानते थे कि आजकल के इंसान है और आजकल के इंसानों के लिए उनकी माँ उनकी सारी ज़िंदगी उनके साथ फॉरवर्ड करती है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं तब तक उनकी माँ कमज़ोर, लाचार और बेबस पड़ चुके होते हैं और फिर ये बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि तुमने आज तक हमारे लिए क्या ही क्या है। छोटे थे तो लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। बड़े हुए तो लड़ते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। थोड़ा शर्म करे इंसान जब नए रिश्तों की खातिर अपनी माँ का ना रहा। याद रखे, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू कहेगा कि अब माँ के अलावा अब मेरा कोई ना रहा। यार, माँ तो माँ होती है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज कहाँ होती है। वो बिना कुछ कहे सारे दर्द सहती है, मगर उसके एक बच्चे का दर्द 100 दर्द के बराबर होता है। खुद ना सो के अपने लाडले को सुलाती है, वो माँ होती है। अगर दुनिया में कहीं जन्नत होती तो जरूर माँ होती है। मत नजरअंदाज करना अपनी माँ की तकलीफों को। जब ये बिछड़ती है जिसके कोई फरिश्ते तुम पर लाने बैठे, जब भी बिछड़ते तो रेशम के तकिया पर भी नींद नहीं आती। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुमको हंसा देगी। कभी भूल कर भी माँ को ना रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्थ हिला देगी। दोस्तों, मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि माँ की खिदमत करो, क्योंकि ये मौका भी हर किसी को नहीं मिलने वाला।